के हटवल ना हट नजरिया हो जनमार जान हो मरून कलर सरिया अच्छा साथियों, एक बार पुनः फिर मंगल मधुकर के ओर से यम टू म्यूजिक वर्ल्ड पे लाइव बिरहा देखे वाले भाई लोगों के पांव छूके घोर लगातानी आशीर्वाद देव सबे। आप लोगों के बीच में एक बिरहा लेके आई बनी जोने बिरहा का शीर्षक बा सत्संग स्थल बना शमशान हाथरस कांड। 2 जुलाई 2024 को सत्संग के प्रांगण में एक ऐसी घटना घटी, ऐसे ऐसे लोग उस सत्संग में मरे कि सुन के कलेजा मुंह को आ जाता है। इसलिए रामा कवि गाजीपुरी जी 4 लाइन भूमिका में भाव लिखे हैं। कैसे सौरभ भैया? धर्मधारी धरा धन्य है देश भारत, सर्वत्र गूंजे जहां धर्म गाथा, सच्चा मनो से करे मानो नफरत, पाखंडी आगे झुकाता है माथा, माया के मेला में झंझट झमेला, नहीं जिंदगी अपनी कोई के बस में। 2024 2 जुलाई मंगल आश्रम बना शाम शाम हाथरस में। सोने की चिड़िया हमारे भारत देश को कहा जाता है, लेकिन वारे मेरे भारत में रहने वाले पाखंडियों के आगे सर झुकाकर और अपने भारत देश की बदनामी करा रहे हैं। माया के मेला में झंझट झमेला, नहीं जिंदगी अपनी कोई के बस में। 2024 2 जुलाई मंगल आश्रम बना शमशान हाथरस में। गुरुकुल में लोग ज्ञान सीखने के लिए जाते हैं, पैसा कमाने का तरीका बहुत है, लेकिन पैसे के लिए अपना सब कुछ इंसान निगेटिव पॉइंट में खो देता है। 2 जुलाई दिन मंगलवार 2024 के दिन हाथरस में उस सत्संग में मरे हुए सभी मृतक आत्माओं को मंगल मधुकर के ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। लेकिन यही जगह बिरहा में एक थे गजल का टुकड़ा लगल सौरभ भैया, तनी कैसे? ओ हो हो हो। किसी आशिक
ने अपने मासूका से कहा कि हमें याद फिर भी, हमें याद फिर भी, ओ याद बहुत है, हमें याद फिर भी, ओ याद बहुत है, हंसाते तो कम है, रुलाते बहुत है, हमें याद फिर भी, ओ याद रुलाते हमें याद फिर भी वो याद बहुत है, आज हमें याद फिर भी वो याद बहुत है, अरे हंसाते तो कम है, रुलाते बहुत है, सपने में वो तो सताते बहुत है, सपने में वो तो सताते बहुत है, हंसाते तो कम है, रुलाते बहुत है, सताते रुलाते बहुत है, गजल रहल। लेकिन भाव में कवि जी कितनी सुंदर लाइन लिखले हुवन सबके लिए, का लिखलन जहां शख्स झूठा, जहां शख्स झूठा पुजारी बना है, जहाँ शख्स झूठा पुजारी बना है, हंसते हैं इंसान मतारी बना है, जहाँ शख्स झूठा झूठा पुजारी बना है, आज जहां शख्स झूठा पुजारी बना है, अब फंसते हैं इंसान मदारी बना है, जीवन दाव पर रख जुआरी बना है, जीवन दाव पर रख जुआरी बना है, पूछू मान तो पलकारी बना है, जीवन दाव पर रख जुआरी बना है, पूछू मान तो पलकारी बना है, मान को बलकारी बना है, जहां शख्स झूठा पुजारी बना है, अरे फंसते हैं इंसान मदारी बना है, जीवन दाव पर रख जुआरी बना है, अरे पुजमान तो बलात्कारी बना है। इस भारत देश में संत की परिभाषा जानते नहीं और संत बनने चल दिए, अपना इतिहास लिखने लगते हैं, अपनी किताबें छपवाने लगते हैं, खुद को भगवान समझकर और भारत के लोगों से पूजवाने का काम करते हैं। तो नज्म में कभी जी भाव लिखलन, बारे हमरे भारत के लोग और बारे हमरे भारत का पब्लिक और बारे हमरे भारत का संत कहावे वाला महात्मा जी लोग, का करल चाहतला आप लोग। नजम ने कभी जी भाव लिखलन,
जी। कासगंज में बहादुर नगर आला है, लोग कहते हैं कि यह गांव तो निराला है। उत्तर प्रदेश में कासगंज, यहीं का रहने वाला युवक सूरज पाल सही, उत्तर प्रदेश पुलिस में हुआ बहाल सही। कई थानों पर ड्यूटी किया मन गरूर भरा, कई थानों पर ड्यूटी किया मन गरूर भरा, हसीनों का सपना आंखों में तो भरपूर भरा। उत्तर प्रदेश में शरनामी जिला कासगंज का रहने वाला सूरज पाल, जो कि पुलिस में भर्ती होता है और पुलिस में भर्ती भइला के बाद कई थाना पर काम कैलस, आ कई थाना पर काम केले में गरूर भर गल, अहंकार हो गल, और उस अहंकार में वह सूरज पाल करता क्या है, एक लड़की किया बरू को सूरज लूट लिया, करके ब्लैकमेल सपना को तो टूट दिया। चला मुकदमा तो, चला मुकदमा तो विभाग ने बर्दाश्त किया, पुलिस बनला के बाद कई थाना पर रहलन, कई थाने पर सूरज पाल जी लड़कियन के देखे मिजाज बदल जाए, कहां से मुझे मिल जाती। ऐसे ही करत करत एक लड़की के आबरू के लूट करके और ब्लैकमेल कर करके जहां नहीं तहां बुलावे के काम करे सूरज पाल। एक दिन प्रशासन पकड़लस और सूरज पाल जेल गईलन। जेल गईला के बाद और नौकरी से बर्खास्त कर गईलन सूरज पाल जी, बर्खास्त हो गईलन, नौकरी छूट गई, घर परिवार रुपया पैसा धन दौलत जब तक सर्विस करत रहन तब तक संपूर्ण रहन, सारा व्यवस्था मिलत रहल, लेकिन नौकरिया जब छूट गई हो बाबू ते पैसा पैसा कौड़ी कौड़ी के लचार हो गईलन। आ जब लचार हो गईलन तबीरा में एक लाइन तर्ज लग गई, कैसे दुर्ग विजय भैया, दुर्ग विजय भाई हमरो उम्र तो के लग जाए और ऐसे ही बिरहा जगत में बजावत रहो, कौनो लड़की सुघर सागर मार्केट में चलल बे, कौनो लड़का देखलस एक टकिए ताकेता लड़किया गुसिया गई, ए क्या देख रहे हो, कहे का कहे, टुकुर टुकुर ताका तारा काहे एक टकिए, सुपर सामान के तू गईला सनकिए, टुकुर टुकुर ताका तारा काहे एक टकिए, सुपर सामान देखी गईला सनकिए, बंद दरवाजा पे पूछा जनी खूला, अरे बंद दरवाजा पे पूछा जनी खूला,
मारे झूला, चकोरा मारे झूला, गोरी तो हर गलिया लगल रसगुल्ला। आप लोगों के मनोरंजन खातिर कभी कभी के आप लोगों के भाई ये मधुकरवा के गावे के पड़ेला, लेकिन सूरज पाल का हालात कैसन बा? लड़की के बलात्कार में लड़की का आबरू लुटलन, नौकरी से बर्खास्त कर देहल गईलन, आ जब रुपया पैसा कौड़ी कौड़ी के लाचार हो गईलन तो उनका हालात कैसन है? सरबसियार भइल बिगड़ल समैया, समैया बिगड़ गई, खाले ठोकर नहीं कवनो उपैया, रवास यार भैले बिगड़ल समैया, काले ठोकर नहीं कवनो उपैया, माटी होई गईला सोचल सब सपना, माटी होई गईला सोचल सब सपना, पराया माली अपना, पराया माली अपना, राम नाम जपना पराया माली अपना। सारा सपना माटी में मिल गई सूरज पाल जी का, दिमाग लगावे लगलन। एक बात आप लोग समझ लें, सिर्फ दिमाग है तो हम इंसान है, मानव है, सिर्फ दिमाग निकल गया तो पशु के समान हो जाएंगे। सूरज पाल दिमाग लगा रहा है, कैसा दिमाग लगा रहा है? सूरज के नौवा से जोरे लोग हो, धनवा कमाई रचत हम ढोल हो, ना भेष बदले ना भिख दे हो कोई, एक दिन मोरे बस में जमाना हो होई, यह सूरज पाल दिमाग लगावत बा। अब ऐसे पैसा ना आई, अब ढोंग करे के हुई और अपने बस में पूरे जमाने के कहले करत का हो, रोज रोज कोहरे मन में कलपना, रोज रोज कोहरे मन में कलपना, पराया माल अपना, पराया माल अपना, राम नाम जपना पराया माल अपना। यह दिमाग लगौले सौरभ भैया कि बिना भेष बनौले भीख न दे जमाना, बड़ी जालिम बा। आय है इतना दिमाग लगा के और भेष कैसन बनौलस? कौन भेष बनौलस? नारायण साकार हरी, नारायण साकार हरी बन गया उर्फ भोले बाबा। मिलते हैं भगवान जी मुझसे, मुझ में है काशी काबा। अपने आप को नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा बताने लगा, भेष बदल दिया पैसा कमाने के लिए, और सारे लोगों से यही कहने लगा कि मुझसे भगवान जी मिलते हैं, मैं ही काशी हूं और मैं ही काबा हूं। मूर्ति पूजा छोड़ के लोगों, मूर्ति पूजा छोड़ के लोगों, मुझ पे ही विश्वास करो, कष्ट दूर हो जाएंगे मेरी पूजा में ही आस करो। मूर्ति
मूर्ति पूजा लोगों को छुड़वाने लगा। जे जे जुड़े सूरजपाल नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा बनगीलन कलन की, मैं भगवान से मिलता हूं, भगवान जी हमसे मिलते हैं, हम ही काशी है और हम ही काबा है। आए हुए जुड़े हुए लोगों से मूर्ति पूजा छुड़वा दिया, हमारी पूजा करो और सारे दुख सारे कष्ट मिट जाएंगे। नहीं ले आना धन दौलत, नहीं ले आना धन दौलत, बस खाली हाथ ही आना है। बिन पैसे के बाबा मिल गए पागल हुआ जमाना है। दिमाग लगा दलन सूरज पाल नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा, दिमाग लगा दलन कि हमारे पास पैसा लेकर के नहीं आना होगा, हमारे यहाँ आप लोगों का पैसा नहीं लगेगा। आए है बाबूजी इतनी बतिया जब जनता सुनलस, कभी कभी जनता के लोग भेड़िया भी कहलन, जैसे एक भेड़ गिर जाए तो पीछे ले कुल भेड़ नारा में कूद जी हैं, वैसे ही जनता एक लोग आके अगर कोनो मेहरारू कोनो गांव में के दिखा दिलस और आइल वापस, हाँ भाई बाबा तो बड़ा निक देखता रह, हमारे घरे बड़ी परेशानी रहल, भूतो लगत रहे, हमार ससुरो लगत रहे, अदम चंगा हो गई लीजा, मेहरारूना से दरबार चलत है। समय आए है ये तनी बात जोने समय छिड़लस, जमाना पागल होके नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के दरबार में भीड़ लगे लगल और जनता जाए लगल। जब जाए लगल तो बिरहा में एक लाइन बड़ा रंगीन तर्ज लग गई। कवन तर्ज है? एक क्लासिकल मूड में कभो कभो गावे का बड़ा मन कर रहा, हम कली रामा गुरु जी एक ऐसने तर्ज लिख दी। कैसे? सबके पसंद आई कि जो प्रेम गली में आए नहीं, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने, जो कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने, कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना। बिरहा का तर्ज रल, बिरहा का फर्ज कैसन है, लेकिन हम चाहते हीरा भैया आ यही के तनी बिरहा पटन में कैसे गावल जाए, तनी भाई लोगों के बिरहा पटन का अंदाज दिखा दा कैसे। कि भोली जनता तब
भोली जनता तब भरम गई बा, बात तो बड़े दिल वाले हैं भो बार में भीड़ बढ़न लागी दरी बार में भीड़ बढ़न लागी दिन दुखियों के रख वाले हैं दरी बार में भीड़ बढ़न लागी दिन दुखियों के बाबा जी तो बड़े दिल वाले हैं, बड़ा दिल वाला बड़े बाबा जी। और इतने ना दरबार में इतना भीड़ लगल तीन दुखियों के रखवाले हैं नारायण साकार हरि, ये तो चक्रधारी हैं, आए हैं बाबूजी। लेकिन वो दरबार 2500 जगह है, 2500 जगह दरबार बनाया हुआ है, लेकिन मैनपुरी का दरबार कैसा दरबार है? इसी एकड़ में बना आश्रम, मैनपुरी का दरबार 30 एकड़ में बना हुआ है। बाबा तो पहले अपने सेवादारों और अपने भक्तों से प्रचार प्रसार करवा दिए कि बाबा क्या पैसा नहीं लगता है, लेकिन हो क्या रहा है? परीत के पीछे धन का सृजन, महिला सोचे धन भाग जगल, मही ला सोचे धन आक मिलल दिन अच्छे आने वाले हैं, मही ला सोचे धन भाग मिलल दिन अच्छे आने। बना हुआ है, पैसा बाबा जी के यहां लगता नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे सिर्फ पैसा कमाने के लिए दरबार बना हुआ है। अगर पैसा न मिले दरबार में, रसीद न कटे, तो ये को ई ढोंगी बाबा माई की अगरबत्तियों सवेरे ना धर रही है। ई सच्चाई है। चाहे इस धरातल पे संतों में शिरोमणि का दर्जा पाने वाले संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी के बाद बहुत संत आए, ढोंगी संत, जो कि अपने भारत में गंदगी फैला देलन, घृणा करे लगल लोग बाबा लोगन से, बिरहा में एक लाइन तर्ज लग गई और यही तर्ज के गाखे और यूट्यूब पे भाई लोगन का बड़ी प्यार मिलल और ट्रेंडिंग में आप लोग कह देला ये गाना के, यही लिए गीत लिखे के पड़ल और तनी सा मिजाज बना के दुर्ग विजय जी कैसे
प्यार आशिक करैलस, प्यार कैलस आशिक मासुका दूर चल गई। आशिक कहता ए जानू जैसे हम चरीला वैसे चरे नूकिना, जैसे हम चरीला वैसे चरे नूकिना, अपना पागला के अपना पागला के याद बोला करे लूकिना, करे लूकिना ई तथर्ज रहल। लेकिन हर्ज कितना सुंदर कवि जी लिखले हुए आए है। आगे का कहानी कैसन बा मास्टर? दुख दूर होई सब झूठे लागल, दुख दूर होई सब झूठे लागल, हैंड पंप जवान सब कोई, लेकिन हैंड पंप वाला पानी सब लूटे लगा। आप लोग कहा कि हैंड पंप का पनिया कैसे लुटात रहल? ए बदे पनिया लुटात रहल कि सूरज पाल नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा अपने सेवादारन से सबके बीच में बात रख देलन कि ये हैंड पंपवा जितना लगल हुए दरबार में मन एकुल हैंड पंपन के बाबा जी छुले हुन। अब बाबा जी ए पर हाथ रखले हुन, एकर पानी जे पी ओकर दुख दूर हो जाई। अच्छा एक ठे बात आप लोग सुना, बारे ढोंगी बाबा लोग आखिर कहे अपने देश और अपने भारत देश के पब्लिक की आप लोग लूटा था रहा। एक बात आप लोग समझे, विश्वास करना चाहिए। अंधविश्वास आप लोग ना करें, क्योंकि अंधविश्वास में फंसने के बाद अपनी ही नहीं बल्कि अपने अगल बगल और अपनी कई पीढ़ियां खराब हो जाती हैं। अंधविश्वास में लोग फसल बाड़न, काहे ढोंगी बाबा और काहे के अंधविश्वास में आप लोग फंसता रहा। अगर राखी भभूत देहले से अगर रोग सही हो जात तो कैंसर हॉस्पिटल काहे बनत हो सौरभ भैया? किसी ने पढ़ लिख करके MA MSc PhD करके डॉक्टर बना, तू अगरबत्ती धरा के कैंसर ठीक कर देबा? वो तो कहता ना पैसा लेवे खातिन के, लेकिन दरबार में अपन कैंसर और TB ठीक करे वालन बेवकूफन खातिर के कहते ही हम। बुरा मत मानिएगा, अंधविश्वास में आप लोग ना फंसे। और आगे का भेल सौरभ भैया? छुअले बाड़े बाबा यही पनिए के मोल बा, पनिए के मोल बा, अंधविश्वास में सब बनल बा कलोल बा, विश्वासी
डोंगियन के फसल वन हमार लड़का स्कूले में ना पढ़ जाता बाबा जी तनिका झाड़ दे। अरे बेवकूफ राम बाबा के झरले से तुहार लड़का डीएम कलेक्टर बनी की पढ़ी तो बनी। लेकिन बहुत समझदार लोग हैं मंगल मधुकर जैसे, समझे जब हवा से फूटे लागल समझे जब हवा से फूटे लागल हैंड पंप वाला पानी सब लूटे लागल हैंड पंप वाला बड़ी जनता बकलोल बन के मुरुख बन के और नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के दरबार में जाके फंस गईलन। लेकिन हमरे सौरभ भैया नियन समझदार और डब्लू जैसे समझदार लोग जितना रलन वो दरबार से कहलन मारा मर्दी बेकार यहाँ आयल जाल ठीक ना हो, यही लिए विरह शैली में कभी जी भाव लिखलन कैसे भैया। समझदार बड़ी कम हुन यही लिए कभी जी लिखलन है जीवन के होई कौन गतिया हो। अरे जीवन के होई कौन गतिया बाबा पाखंडी हर लहल सब कर मतिया 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 बहुत लोगन का मतिया हर लहलन नारायण साकार हरि अपने आप के चक्रधारी बना के कि हम चक्रधारी हैं अपने अंगुरिया में चक्र पहन के भाई डिजिटल का जमाना है कुछ भी हो सकता है लेकिन कम से कम हमें आपको समझना चाहिए ना। सतगुरु भेष में पाखंडी, सतगुरु भेष में पाखंडी लोगों को मूर्ख बनाते हैं। ईश्वर की पूजा छोड़वा कर अपने को पूजवाते हैं। भोले बाबा की पत्नी कटोरी, भोले बाबा की पत्नी कटोरी का जीवन बेहाल हुआ। बगल में बैठती है मामी उसका घर मालो माल हुआ। सतगुरु भेष में पाखंडी लोगन के मूर्ख बना के और ईश्वर के छुड़वा के आपन पूजा करवावतारन और हमरे भारत के लोग अंधविश्वास में फंस के करतो हुमन। बड़ी बड़ी सत्संग जगह जगह होत है, हर एक 10 किलोमीटर के बगल पे कौनो न कौनो आश्रम मंदिर बनल है। लेकिन नारायण साकार हरि के पत्नी के कोई कोई कटोरी बतावेला और कोई कोई प्रेमवती के नाम से जानेला। लेकिन कोई कहला कि गुरु माता के रूप में बनल ही कटोरी प्रेमवती भोले बाबा का धर्म पत्नी। लेकिन वही में कोई कहला कि ना ओकर ममीमा बगलिया में बैठे ले यही जगह गुरु माता बन के अपने घर बढ़िया बढ़िया फ्लैट बनवा ले अपने नामे ओकर बैंक बैलेंस बा। बाहरे बाबा और बाहरे मामी बाहरे धर्म पत्नी हमरे कहे का मतलब ही बा। आप लोग बिरहा सुने वाला भाई राजा का लड़का राजा होत रहे, अब डिजिटल के जमाने में संविधान बनने के बाद राजा का लड़का राजा न होके यह कृपा है। लड़का पढ़वे लिखब ना के लिए डॉक्टर बन जाई गुरु माता, मतलब अगर गुरु माता और गुरु पिता के योग्य हैं इस धरातल इस संसार में, माता पिता और सर्वोपरि गुरु के अलावा इस दुनिया इस संसार में उनसे बढ़ कौनो देवी देवता ना हुआ। यही लिए बिरहा कोई औलाद नहीं बाबा की, कोई औलाद नहीं बाबा की, एक लड़की को गोद लिए। अरे मर गई बेटी एक दिन अचानक क्यों नहीं उसको जीवित किए। दुनिया का लोगन का दुख दूर करत हुआ बाबा,
नारायण साकार हरि बाबा आपसे मंगल मत को चैलेंज करके कहता है कि अपने भक्तन को तू कैंसर ठीक कराता रहा, टीबी ठीक कराता रहा, गोद ले ले रला जोन ले किया, बड़ा इलाज कहिला, कहे न तू ले किया के जीवित कर देहला, जीवित ना कहिलन हो पंचो, यही लिए बिरहा में एक बड़ा रंगीन तर्ज लग गई। कौन तर्जबा भैया? सब ख्याल बाहो वाता सब ख्याल बहो रुवला से अखिया लाल बहो जोने लड़किया के गोद ले ले रलन उ लड़किया के ना जिया पौलन बड़ी झरलन झुपरलन लड़किया आखिरकार अंत में मर जाले बाबू तब जो प्रमुख सेवादार हवे देव प्रकाश मधुकर यार हवे देव प्रकाश मधुकर यार हवे जो प्रमुख सेवादार हवे देव प्रकाश मधुकर दरबार बाबा के सजावल करेला दरबार बाबा के सजावल करेला भूले राज नाही छिपावल करेला छिपावल नारायण सकार हरि उर्फ भोले बाबा कजवल सेवादार प्रमुख रलन उनकर नाम रहल देव प्रकाश मधुकर सारा देख रेख करे बाबा कब कहाँ जइहे इलन दरबार में का भयल का होखे वाला बा सारा देख रेख देव प्रकाश मधुकर करताड़न आ करताड़न तब खुद बाबा के फौजी 10,000 है भाई 10,000 फौजी अपन बनौले बा तकरार करे कोई क्या सबके सब अन्यायी झंझट वाला लीके हटावल करेला झंझट वाला लीके हटावल करेला खुले राज नाही
वह बाबा आपन 10,000 फौजी बनौले बारन। एकरे पहले आसाराम नारायण साई राम रहील का हालात आप लोग सुनला देखला। सजाए मिलल दरबार में ताला लग गल, वैसे ही बाहरे सूरज पाल नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा बनके अपने भारत में इतना घिनौना कर्म पैसा कमाए खातिर आए है बाबूजी, जे तन को झंझट कर देख कि ना कौनो हमरे दरबार में झंझटिया हुआ उनके तुरंत सेवादार रह ना 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 हटा 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 उनके सबसे पहले दरबार से बाहर। तो बिरहा में हमरे बचपन का एक तर्ज लगल, कमन तर्ज भाई आगे का भाई कि कहवा गईल लड़ी कहिया हो तनी हमके बताई द, कहवा गईल लड़ी कहिया हो तनी हमके बताई द, तनी हमके बताई द। रामा कवि गाजीपुरी जी का बहुत ही स्नेह प्यार दुलार शिष्य मानल, लिखलन की गुरु ज्ञान ही दुनिया की दौलत है, जो मन लगाया सब कुछ पाया गुरु की बदौलत है, और गुरु ज्ञान ही दुनिया की दौलत है। अब बारे आजकल का पखंडी बाबा लोग एक बात बाबा करत का हमन छुए ना कोई पहिया हो, छुए ना कोई पहिया हो बाबा रहे दूरे, पहिया हो कोई पहिया हो बाबा रहे दूरे, सेवादार हटा दे जल्दी पैर न छुए दे, लेकिन हर सत्संग में बने रंगोली, हर सत्संग में बने रंगोली, वही के माथे लगावे जनता भोली, वही के माथे, वही के माथे जमने रंगोली से गुजरे ले बाबा, बुझे का मैया हो बाबा रहे दूरे,
कैसे होई से कैया हो बता रहे हैं दूरे हर सत्संग में रंगोली बने और वही रंगोली में से बाबा जी गुजरे मतलब जाए तो वो रंगोली के उठाए के सब लोग माथे पर तिलक करें। 2 जुलाई मंगलवार को जनता अपरंपार जुटी, महिलाओं की संख्या ज्यादा पाने को तब प्यार जुटी। हाथरस में 2 जुलाई 2024 को सत्संग का दिन रखा गया, परमिशन लेकर के। लेकिन जितना लोगन का परमिशन ले रहल उसे ज्यादा भीड़ लगे लगल। 1.25 लाख से ज्यादा लोग जब चरण रज पाना चाहे, सेवादार सब रोक दिए जो बजरा आना चाहे, जनता जबरी करन लगी तब सेवादार घबराया है। पानी का फब्बारा डाल जनता पर जुर्म ढाए है। जितनी जनता का परमिशन ले रहल उसे न जाने कई गुना ज्यादा जनता का भीड़ लग गई। चरण स्पर्श करे के लोग चाहे लगलन कि बाबा जी का चरणिया छू के आशीर्वाद ले जा, तब तक पानी का फब्बारा डालने लगे। बाबा जी के सेवादार की पब्लिक ना आने पाए और वही पनिया के फब्बारा पाए के सब लोग बिछला बिछला के एक पर एक गिरे लगलन। आ जब एक पर एक गिरे लगलन तो बिरहा का लास्ट तर्ज लग गई, कैसे भैया बिरहा के तावा पर करज छे वका जाता, बिरहा के तावा पर करज छे वका जाता। हाथ के मेहंदी हमरा लोर से धोवा जाता, हाथ के मेहंदी हमरा लोर से धोवा जाता, हाथ के मेहंदी हमरा लोर से धोवा जाता। ई तर्ज रहल एही में एक लाइन और गौले रहल, टुकुर टुकुर तकले रात बीते जगले, चढ़ल जवानी मोर पिया तू बड़ा पगले, चढ़ल जवानी मोर पिया अपने देहिया अपने जो छुआ जाता, गन गनाला अपने देहिया अपने जो छुआ जाता। हाथ के मेहंदी हमरा लोर से धोवा जाता, हाथ के मेहंदी हमरा लोर से धोवा जाता। आप लोगों के आनंद देवे खातिर गौली, लेकिन भाव कई चल पानी का फब्बारा सेवादार मारत हुवन, हाथ रज के सत्संग के समय हो भैया आशीर्वाद भक्त लेहल चाहत हुवन। आखिरकार अपने सदगुरु का आशीर्वाद ही न लेहल चाहत रहलन, ओ आश्रम में से कोनो धन दौलत ना न लेत रहलन भक्त, लेकिन पानी का फब्बारा डाल रहे हैं और सेवादार और एक पे एक पब्लिक गिर गिर करके लड़का जवान पुरान एक पर एक दबा के उनकर हालात कैसन भइल बा हो भैया। भगतड़ भइल ता लोगवा कीचड़ में गिरे लगले, भगतड़ भइल ता लोगवा कीचड़ में गिरे लगले, एक के ऊपर एक गिर के सब मरे लगले, एक के ऊपर एक
मरे लगले जे तनिका कुछ तंदुरुस्त बा बलवान बा वो तो निकल गई लेकिन जे कमजोर बा बाबू छोट छोट मासूम बच्चा बुजुर्ग औरत बुजुर्ग आदमी एक पर एक गिर के दबा के मर गेलन कोई का बाबू मर गेलन तो कोई का माई मर गेली कोई का बेटवा मर गेलन तो कोई का बेटी मर गेली सब लोग परेशान बा रोत बा घर के लोग परेशान हुए न्यूज देख करके जेकरे घरे का परिवार गईल बा कैसे महिला यो बच्चे सब दिल के सच्चे 123 मर गईले अच्छे से अच्छे 123 मर गईले अच्छे से अच्छे अपनों के लेके आए अपने सब भरे लगले अपनों को लेके आए अपने सब भरे लगले एक के ऊपर एक गिर के सब मरे लगले एक के ऊपर एक गिर के सब मरे लगले आए है बाबूजी महिला और बच्चे 123 कई न्यूज वाले कहीं कोई 120 बताओ बा कोई 122 बताओ बा कोई 123 120 के पार हाथरस आश्रम में जान अनलाहक का चल गई हो भैया अनलाहक का मासूम बच्चा नौजवान बुजुर्ग लोग मर गईलन तो कभी जी के आल्हा में लिखे के पड़ल का लिखलन भैया चल सैलाब तो हाथ रास में रहल न उचित इंतजाम घुट घुट दम को तोड़ दिए सब चल बभारी हो कोहरा पुलिस प्रशासन नकाम भइल है रोवे लोग करे चाथाम चढ़ के कपारे मौत बुलावलस चढ़ के कपारे मौत बुलावलस के तरफ पर लागी इल्जाम हो नहारी ना करैल डरले मौत है जीवन का विश्राम हो नहारी ना तरल तरले जैन सैलाब तो हाथरस में है बाबू लेकिन उचित इंतजाम नहीं किया गया नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा 10,000 अपनी फौज बनाए हैं लेकिन एक से एक मासूम बच्चे बुजुर्ग नौजवान अपना दम को तोड़ दिए उस पंडाल में मित्रों लेकिन पुलिस प्रशासन नाकाम रही कलेजा थाम थाम के लोग रो रहे हैं जेकर बेटवा गुजर गईलन मर गईलन जेकर माई मर गईली जेकर नौजवाने दुल्हा मर गईलन उ पत्नी रोत बा सब लोग परेशान हुन हाहाकार मच गया तो बिरहा आल्हा 2 में कभी जी लिखलन पर्दा बदल जाई नंबर 2 लगा लग गया अरे मौत के खबर पूरे ए भैया मौत के खबर पूरे आरत सभा में फैलल भैया
सब लोग अपन सर पीटत बा, बाप रे बाप, ऐसे ऐसे पाखंडी बाबा इस हमारे भारत देश में पड़े हैं, आए हैं। लेकिन 120 के पार जब गणना भेल कि पब्लिक बूढ़ा बच्चा नौजवान मर गिलन, तो नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा फरार हो गिलन। आ जब फरार हो गिलन तब अरे वो हमारे सेवादार अरे सब भाग गइले पंचो सेवादार फरार हो गिलन। अब यहाँ रही के हमन जेल चल जल जाई। लेकिन ए पंचो लाश पर लाश, लाश पर लाश पुलिस प्रशासन आइल तो आगे अरे सत्संग स्थल समा अरे सहन हो गइला भैया का शीर्षक लिखना पड़ा सत्संग स्थल बना शमशान हाथरस कांड। आखिरी लाइन बिरहा खड़ी में रामा कवि जी लिखलन, का लिखलन भैया हमारे भारत देश में पैदा भइलन और यही हमारे भारत देश में रह के भारत का नमक खा के और ढोंगी बन के अपने भारत देश के सजवले देश के लुटत हुन। यही लिए के कर अब तो गिनावल जाई नाम हो अरे ढोंगी बाबा बहुते बड़े आश्रम धाम हो। ढोंगी बाबा बन के लूटे ले सजावल दे सवा। ई ढोंगी बाबा जब जेल जाइए और ई लोगन के जादे से जादे कड़ी से कड़ी सजा जब मिली, तब जाए के हमरे देश हमरे भारत देश के ढोंगियन का नाश हुई। अगर कड़ी से कड़ी सजा ढोंगी बाबन के अगर न मिली तो ढोंगी बाबन का बढ़ोतरी हद से ज्यादा पार हो जाए। यही लिए लिखे के पड़ल जान बुझ के गुरु करा अछान पिया पानी अरे ना तो दला दला वही में फांसी जिंदगानी। ढोंगी बाबा बन के लूटेला सजावल दे सवाब। जान बुझ के गुरु करा और छान पिया पानी,
अरे नाता दल दलवे में फंसी जिंदगानी, ये हमरे दद्दा बाबा का कहावत है कि गुरु करे छान के और पानी पिया एमन संकोच ना। गुरु जान के करल बहुत जरूरी बा। एक लाइन और सरकार से मंगल मधुकर और रामा कवि गाजीपुरी जी का निवेदन है लास्ट लाइन में का, अरे ढोंगी अन परो सरकार ना लगाई, अरे के तनी मावा जाते के करी भर पाई। शासन या प्रशासन का परिभाषावा, ढोंगी बाबा बल के लूटला सजावल देसा। अपने सरकार और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी जी से विनम्र निवेदन बा कि ये ढोंगियन पर रोक अगर न लगी तो आखिर कितनी मौजा दे गए भरपाई हुई। और जनता से हमारा अपील बा कि अंधविश्वास में न फंसे, ढोंगियों बाबाओं के पास आप लोग न जाए, शिक्षा पर आप लोग ध्यान दा, अपने बच्चन के पढ़ावा, अपने बच्चन के ज्ञानी बनावा। यही से अंतिम लाइन में कवि जी लिखलन, गुरु गणेश गुरु राम लाल के स्वर्ग में बच्चन पावन, राम देव चंद्रिका कवि पुजारी राम खेलावल, जीवन का होई कवल गतिया, मंगल रामा कवि सतगुरु से लगल प्रीतिया।